नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ गई है। एक व्यक्ति जो कि एक मारपीट के मामले में आरोपी था और जिसके साथ उसने मारपीट की थी, वो अस्पताल में भर्ती था। इस घटना के बाद आरोपी ने अस्पताल पहुंचकर फरियादी को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की है। ये मामला सागर जिले के मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। सागर के जिला अस्पताल परिसर में गुरुवार रात एक चौंकाने वाले मामले ने सबके होश उड़ा दिए। मारपीट में घायल एक फरियादी अस्पताल में भर्ती था और आरोपी रात 12:30 बजे अस्पताल पहुंचकर फरियादी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। गोपालगंज थाना प्रभारी उपमा सिंह ने बताया कि काकागंज निवासी दामोदर कोरी और पुरव्याऊ टौरी निवासी मिलन माजे रजक के बीच रंजिश चल रही है। इसे लेकर दोनों के बीच बुधवार को विवाद और मारपीट हुई। दामोदर ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। फरियादी दामोदर को अस्पताल लाया गया था जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। इसी बीच रात करीब 12:30 बजे आरोपी मिलन माचे रजक अस्पताल परिसर में पहुंच गया। वह चुपचाप ओपीडी कॉम्प्लेक्स में भर्ती दामोदर के पास पहुंचा, जेब से पेट्रोल की बोतल निकाली और दामोदर पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। दामोदर अस्पताल परिसर की गैलरी में खड़ा था। इसी दौरान आरोपी मिलन यहां पहुंच गया। आरोपी कुछ देर पिलर के पास खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और शौचालय के पास पहुंचा, जेब से पेट्रोल की बोतल निकाली, डस्टबिन में पड़े कागज को निकाला और उसमें आग लगा दी। इसके बाद आरोपी दौड़ा और दामोदर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी भाग निकला। इस घटनाक्रम के दौरान अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे ऑन थे और ये पूरा वीडियो कैमरों में कैद हो गया, जिसमें आग से जलने के बाद फरियादी भागता नजर आ रहा है। ये पूरी घटना सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सामने आई है। घटना के बाद अब पुलिस इस मामले के आरोपी को तलाश रही है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपका प्यार हमें लगातार यूट्यूब पर मिल रहा है और हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। फेसबुक पर भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नमस्कार।